गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू संस्कार पब्लिक स्कूल। इन दिस न्यू सेशन आपका नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है और आप इस वजह से आप लोग स्कूल में आकर रेगुलर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे अपनी। सो लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू संस्कार पब्लिक स्कूल, दिस इज योर हिंदी क्लास। मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ और आज हम हिंदी में सीखेंगे स्वर और व्यंजन दोनों साथ सीखेंगे। दोनों साथ हम इसलिए सीखेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में आप स्वर और व्यंजन सीख कर आए हैं, तो आज हम उसका दोबारा दोहरान करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपकी बुक में रीड करेंगे। आप सबसे पहले अपनी बुक निकालो। आपकी बुक का नेम है स्वर रत्नावली। इसमें आपको पेज नंबर 3 पे स्वर और व्यंजन दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, देखो दिख रहे हैं सबको, ऊपर अ से लेके अ तक के जितने भी अक्षर है सर स्वर कहलाते हैं, नीचे क से लेके ग यानी तक जितने भी अक्षर है सब व्यंजन कहलाते हैं। तो हम सबसे पहले स्वर और व्यंजन देखो। अ, अ से अनार, आ से आम, इ से इमली, ई से ई, उ से उल्लू, ऊ से ऊ, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, दो बिंदी का अ। इसके बाद व्यंजन दे रखे हैं, देखो। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग खाली, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, ञ खाली, ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण खाली, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतर, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वन, श से शलजम, श्य से षटकोण, स से सपेरा, ह से हाथी, श्र से श्रत्विय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। ये सब आपके स्वर और व्यंजन होते हैं। तो आज हमने इसको पढ़ना भी सीखा है, अब हम लिखना सीखेंगे। तो नाउ टेक आउट योर नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग विद मी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमने लेफ्ट साइड पे दिनांक डाला है, कक्षा का है, राइट साइड पे हम क्या लिखेंगे, वार। ठीक है, उसके बाद हमने टॉपिक लिखा है स्वर अ से अह तक। ठीक है, सबसे पहले हम स्वर लिखेंगे। अ से अनार, आ से आम, इ से इमली, ई से ई, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, दो बिंदी का अह। ठीक है, ये तो हुए स्वर। अब हम लिखेंगे व्यंजन। व्यंजन होते क से लेके ज तक के सभी अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। देखो, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग खाली, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, ञ खाली, त से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण खाली,
त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवा, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वन, श से शलजम, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हाथी, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और लास्ट में ज्ञ से ज्ञानी। ठीक है, ये होते हैं हमारे व्यंजन। एक बार वो देखेंगे। अभी तक देखो हम क्या एलकेजी का क्या पढ़ रहे थे, इसको अ से अनार, लेकिन अब हम इसको अ से अनार नहीं पढ़ेंगे, से नहीं पढ़ेंगे, केवल अ आ इ, ई उ, ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह। ठीक है, इसी तरह से व्यंजन को भी पढ़ना है, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, त ठ ड ढ ण, त ठ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श स च स ह छ्र त्र ज्ञ। ठीक है, इस तरह से हमको इसको पढ़ना भी है और हमें याद भी करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।